ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े हेट स्पीच मामले में वाराणसी की एक अदालत ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग जैसी संरचना को लेकर दिए गए उनके बयान को हेट स्पीच नहीं माना है। अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में दाखिल निगरानी अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह को बड़ा झटका लगा है। दोनों अधिवक्ताओं ने MPMLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह अर्जी दाखिल की थी। इसमें अखिलेश, ओवैसी व अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई थी। वाराणसी का MPMLA कोर्ट पहले ही इससे संबंधित अर्जी खारिज कर चुका है। पिछले वर्ष अधिवक्ता हरिशंकर पांडे और अजय सिंह की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने वजू खाने में मिले शिवलिंग जैसी संरचना को लेकर अखिलेश और ओवैसी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था।